अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की आपको बताने वाले हैं यहाँ पे एक न्यू मोड के बारे में। हम फिर से बात करेंगे एक न्यू गेम मोड की, जो कि हमें काफी जल्दी यहाँ पे पबजी वाले के ग्लोबल वर्जन में देखने को मिलेगा। तो क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो क्यों ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों अपनी मैंने आज की आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो आपको TDM 2.0 का एक मोड देखने को मिलेगा, तो उस मोड के साथ यहाँ पे आपको एक और मोड देखने को मिलेगा। जो दोनों मोड्स हैं वो आपको PUBG Mobile के ग्लोबल वर्जन में देखने को मिलेंगे, और जहाँ तक इसका जो बीटा है वो अमेरिका से अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर सेप्टेम्बर के एंड तक आ जाएगा, तो तब आप इसे खुद भी ट्राई कर पाओगे। लेकिन आज की वीडियो आपको बता देता हूँ कि आपको इस मोड को खेलना कैसे है और इस मोड में आपको करना क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस मोड में हम सिलेक्शन में जाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे जो मोड मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो उस मोड का यहाँ पे जो नेम है वो एक्सट्रीम हंटिंग है। लेकिन यहाँ पे इस मोड को आप कह सकते हो ये एरेंगल 2.0 का स्टोरी मोड भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ चीजें हैं जो कि एरेंगल 2.0 की स्टोरी से रिलेट है, तो वही इसमें यूज की गई है। तो वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो फटाफट यहाँ पे इस मोड को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी लोडिंग स्क्रीन भी देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक सूट दिख रहा होगा, तो फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाए। तो आ चुका मैं यहाँ पे स्पॉन आइलैंड में। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉन आइलैंड में हमें यहाँ पे कुछ चेंज नहीं देखने को मिला, लेकिन आप यहाँ पे आप पीछे देखोगे तो पीछे आपको यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट सा एक बोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वही जो लोडिंग स्क्रीन पीछे दिखाई है तो वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वो सूट भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जब 30 सेकंड्स रह जाते हैं तो यहाँ पे जो कुछ स्क्रीन है वो फ्लैश होती है, इस पर आपको हिलने लगती है, और फिर आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है जिसका मूविंग टेक्स्ट है दिखेगा। तो अभी तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, आप देख सकते हो जो टेक्स्ट है वो मेरे ख्याल से ऐसा कोई वेला इंसान बैठा हुआ है और कीबोर्ड दबाया जा रहा है, तो वैसे अपने आप ही टाइप होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस या वर्ड्स कुछ बन नहीं रहे, जिसका कुछ मीनिंग है नहीं, तो फ्यूचर में क्या पता यहाँ पे कुछ इसकी जो मिस्ट्री हो, यहाँ पर जो एरेंगल 2.0 का ये स्टोरी मोड यहाँ पे ऐड हुआ है, तो कुछ एरेंगल 2.0 में मतलब इसका जोड़े इस मोड को। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे फटाफट जैसे मैं प्लेन में आता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इस मोड में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो प्लेन की स्क्रीन भी आ गई है। तो जैसे कि आपको बताया था मिनी मैप पे हम जैसे ही प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे मिनी मैप पे अपने मैप पे देखने को मिलेंगे दो सर्कल्स हैं येलो, तो दोनों सर्कल्स पे आपको यहाँ पे एक एयरड्रॉप देखने को मिलेगा। आप उसको यहाँ पे कुछ मर्जी नेम दे सकते हो, क्योंकि चाइनीज भी है तो मुझे नेम नहीं पता, लेकिन एयरड्रॉप में आपको यहाँ पे कुछ मटेरियल है कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे गेम में क्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो फिर आपको यहाँ पे जो अपना सूट है तभी आप बना पाओगे। तो बाकी ये भी जो रूल्स हैं इंस्ट्रक्शन के लिखे हुए हैं तो कुछ समझ आने का नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे फटाफट एक बारी मैं आपको मिलता हूँ यहाँ पे लैंड करने के बाद ही, और मेरे ख्याल से हम यहाँ यासनाया में ही जाने वाले हैं। तो फटाफट यहाँ पे पैराशूट तो खुल चुका है, तो फटाफट नीचे चलते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ जो आपको दिख रहा होगा एक जो आपको लाइट से आ रही होगी, तो वही वाला जो एयर ड्रॉप है आपके पास उसके पास जाए, और नीचे को लैंड हो गया। तो ऊपर चलते हैं एक बारी फटाफट। ओह यहाँ पे प्लेयर फंस गया, ये पता नहीं क्या हुआ इसका। तो ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चलने के बाद आपको वो कलेक्ट करना है, अड़ा हुआ था वो बीच में। तो ऊपर चलने के बाद आप देख सकते हो, और ये जो ब्लूप्रिंट, तो इस ब्लूप्रिंट को आप ध्यान रखना, आपको मैं आगे बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। तो ये ब्लूप्रिंट यहाँ पे फ्लेयर गन और कुछ यहाँ पे आपको स्टोन टाइप के व्हाइट कलर के मटेरियल मिले होंगे, तो फटाफट उठा के यहाँ से भागते हैं। और ये फ्लेयर गन तो नॉर्मल या फ्लेयर गन, तो इसे बाद में यूज़ करेंगे। और ये काफ़ी सारे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे ब्लूप्रिंट देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं गन सर्च कर रहा हूँ उसको मारने के लिए, क्योंकि वो मेरे पीछे ही पड़ा होगा और ये सारा सामान लेने के लिए। तो देख सकते हो काफ़ी सारे आपको ये जो मटेरियल्स मिल रहे होंगे, तो आपको इनको कलेक्ट करना है, और आपने यहाँ पे नेम के सामने आपको दिख भी रहे होंगे कि आपने अब तक कितने मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए, तो देख सकते हो। और उन सब के साथ आपको यहाँ पे एक आईडी कार्ड भी दिख रहा होगा, तो वो जो आईडी कार्ड है वो उससे आप रिस्पॉन मारो इसको, तो मर चुका। तो जैसे आपको बताया था कि जो आईडी कार्ड है उससे आप यहाँ पे फिर से रिस्पॉन हो सकते हो, तो उसको भी आगे आपको मैं यूज करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी सी स्किप कर दिया, बाकी मैंने यहाँ पे काफी सारा आप देख सकते हो जो मटेरियल है कलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे मैप पे आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो आपको ऐसी कुछ बिल्डिंग्स दिखेंगी, तो उनके पास आपको जाना है, और यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो जो आपको ट्रायंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, तो उन्हीं पे जो बिल्डिंग्स है वो होगी। तो फटाफट अगर इस पे अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दिख रहा होगा ये रोबोट वाला सूट है, तो इसी को हम कुछ देर में आप पहनेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी के जो आपको मैं आपको जो फीचर्स है दिखाऊंगा यूज करके। तो ये कुछ मिसाइल्स हैं, और ये पता नहीं ये क्या है, तो पता नहीं ये एक्टिवेट तो कुछ है नहीं, तो उसके बाद ये पता नहीं क्या था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एक मशीन देखने को मिलेगी, तो इसके पास जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब जो गैजेट्स कह सकते हो देखने को मिलेंगे, तो इन गैजेट्स को आपको यहाँ पे रिडीम करना पड़ेगा आपको जो मटेरियल्स आपने पीछे कलेक्ट किया है। फटाफट एक बार यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी जो रोबोटिक यहाँ पे सूट है उसको यहाँ पे इक्विप कर लेता हूँ, जिसकी बॉडी है। उसके बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से उसकी आर्म्स आप देख सकते हो, सूट आ चुका है मेरे पे, और उसके बाद यहाँ पे हम बॉडी उसकी इक्विप करते हैं जो ऊपर का पार्ट होता है, और फिर नीचे यहाँ लेग्स भी आ गए हैं। तो कंप्लीट जो हमारा जो सूट है मैंने यहाँ पे जो जेट सूट है वो इक्विप कर लिया है। उसके बाद बाकी के भी यहाँ पे मैं आइटम्स एक बार रिडीम कर लेता हूँ, और फिर आपको मैं इनको एक एक करके यूज करके दिखाऊंगा।
तो ये कुछ बॉक्सेस हैं और नीचे आपको एक मिसाइल सी देखने को मिल रही है। तो एक मिनट यहाँ पे फटाफट ले लेते हैं इसे। तो और यहाँ पे आप यूएवी देख सकते हो, यूएवी आपको मैं दिखा चुका हूँ, तो इसको हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। बाकी आपको मैं जो सारे गैजेट्स हैं उसको यूज करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ और ये मेरे कुछ गैजेट्स हैं पिक कर लिए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेंटरी में आपको सूट देखने को मिलेगा, तो इसको आपको अनेबल करना पड़ेगा यहाँ टैप करके, और जैसे ही टैप करोगे तो सूट आ चुका है। तो काफ़ी दोस्तों अच्छा सूट है ये। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, तो उसको प्रेस करने के बाद आप इस सूट को यहाँ पे डाल के फ्लाई कर सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये प्रेस किया तो देख सकते हो काफ़ी दोस्तों अच्छा सूट है। बाकी आप कमेंट्स के बता सकते हो कि आपको जो सूट है वो कैसा लगा है। तो देख सकते हो एक बार यहाँ पे आप इसे फिर से एक बार फ्लाई, ओ ये एंगल इसका ख़राब हुआ पड़ा है मेरे ख्याल से, तो व्यू मेरे ख्याल से ख़राब है, बग है। तो एक बार आपको मैं फिर से ये जो सूट है इसको फ्लाई करके दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे आप मिनी मैप पे एक और चीज़ देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक प्लेन का पाथ दिख रहा होगा जिसके ऊपर से एक एयर ड्रॉप जाएगा। तो उस एयर ड्रॉप में आपको यहाँ पे जो हमारा रोबोटिक आर्म है इसको जो बाकी के मटेरियल्स हैं तो वो मिल सकते हैं। तो बाकी जो आप जाऊँगा डेट आएगा तो आप खुद जाके वहाँ ट्राई कर सकते हो। तो एक मिनट यहाँ पे इन बोर्ड्स को एक बार मार लो, काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो इस सूट की खासियत है। तो यहाँ पे आप जैसे ही फ्लाई करते हो इस बटन को यूज़ करके आप यहाँ पे अपना जो ये थ्रो भी कर सकते हो। तो ये देख सकते हो ये अपने हाथों से आग फेंकता है और मेरे ख्याल से ये तीन डायरेक्शन में फेंकता है। तो एक बार यहाँ पे मैं इसको मारने की ट्राई कर रहा था इसी आग से। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये अपना हील भी करने के लिए इसको टाइम चाहिए होगा जो आपका मतलब इसको एक्टिवेट होने के लिए। तो ये कुछ कूल डाउन लेगा थोड़े सेकंड्स का, उसके बाद ही आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो जो एनिमी है काफ़ी ईजिली जो इसकी आग फेंकता है उससे डेड हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ बात करते हैं एक्सप्लोसिव टूल, तो काफ़ी कमाल का है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और गैजेट्स हैं आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे। तो फटाफट यहाँ पे एक बार मैं इन सबको यहाँ पे पिछा देता हूँ। ये देख सकते हो पहला वाला जा चुका है, तो दूसरा वाला भी यहाँ पे आ चुका है, और उसके बाद ये लास्ट। तो ये तीन आपको जो बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको कुछ सप्लाईज देखने को मिलेंगी। तो पहली वाली में हमारी कुछ एमओ है, तो यहाँ पे आपको रैंडम ही देखने को मिलेगी, कुछ मर्जी आपको एमओ देखने को मिल सकती है। बाकी स्मोक ग्रेनेड, स्टैंड ग्रेनेड हो गया और जो मोल्टव होगी तो कुछ भी होगा। उसके बाद जो सेकंड में आपको यहाँ पे पेन किलर जो हमारी मेडिसन होती है तो वो देखने को मिलेगी, और थर्ड वाले में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वेस्ट होगी या फिर हमारा जो हेलमेट हो गया, तो ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने पिक कर लिया इसलिए हमें दिख नहीं रहा। तो बस यहाँ पे एक ये था, बाकी एक बार सूट देख सकते हो काफ़ी अच्छा होता है, और कुछ सेकंड्स तक आप यहाँ पे फ्लाई भी कर सकते हो। तो कुछ ये सुपरमैन तरह के यहाँ पे बन के उड़ता है, थोड़ा सा वैसे ही लगता है, काफ़ी वैसे मुझे अच्छा लगा सूट ये। तो इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी, हमारे जो गैजेट है एक पता नहीं इसका नेम क्या है, लेकिन आप यहाँ से इससे जो छोटे पार्ट में एक एयर स्ट्राइक सी करा सकते हो। तो देख सकते हो एक बार यहाँ पे आपको मैं दिखा नहीं सकता, ये मेरे ख्याल से इसका जो व्यू है ग्लिच है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए बस आपको टैप करना है उसको इक्विप करने के बाद, और फिर आपको यहाँ पे टारगेट है वो सेट कर देना है जैसे कि हम कुछ बायनोकुलर से करते थे। लेकिन ये जो बायनोकुलर से थोड़ी सी अलग है, ये आपको डैमेज सारे हिस्से में नहीं कराएगी बल्कि थोड़ा सा हिस्सा कवर करती है और उसी में डैमेज करती है। ओ शिट, मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी पास लगा दिया है, थोड़ा दूर होना पड़ेगा। तो देख सकते हो ऊपर से यहाँ बॉम्ब गिरेंगे पता नहीं, या फिर ये नीचे से ही आते हैं। तो एक सेकेंड और आगे, तो देख सकते हो काफ़ी सारी अलग अलग लोकेशन पे एक ही साथ यहाँ बॉम्ब फूटते हैं। जो हमारा रेड जोन होता है तो उसमें एक ही जगह आता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी लोकेशन पे आ रहा है। तो मैं वो ये थे दोस्तों यहाँ पे कुछ फीचर्स इस मोड में जो आपको देखने को मिलते हैं। बाकी आपने यहाँ पे ब्लूप्रिंट देखा होगा जो कि हमारा रोबोटिक आर्म का था, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कुछ वीक्स पहले यहाँ पे एक जो हमारा कमेशी का सीक्रेट बंकर है वो दिखाया था। तो उसमें अगर आपको याद हो मैंने आपको एक रोबोटिक आर्म दिखाई थी, एक रोबोट का यहाँ पे ब्लूप्रिंट था। तो उस ब्लूप्रिंट और यहाँ पे आप ब्लूप्रिंट आप देख सकते हो दोनों को यहाँ पे कंबाइन ही कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे उन्होंने उस ब्लूप्रिंट को यहाँ पे यूज करके गेम मोड को बनाया है जो कि इसमें रोबोट को यूज कर रहे हैं। तो उसी रोबोट ने यहाँ पे जो रैंगल 2.2 में डिस्ट्रक्शन की थी, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो स्टोरी मेरे ख्याल से लिंक करेंगे दोनों मोड को। बाकी फ्यूचर में क्या पता इसमें आपको और कुछ भी देखने को मिले। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो के लिए, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको जो न्यू गेम मोड है वो कैसा लगा है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो में कुछ ही पसंद आता वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए गुड बाय।